हेलो वेलकम टू आईसी हेल्प एकेडमी एंड माय नेम निमी शैल सो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेजर स्टार्ट किया था तो लेजर में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि लेज़र में दो चीज़ें जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ एक पोस्टिंग होता है देन उसके बाद बैलेंसिंग होता है तो लाइक अगर पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग तो लाइक हम कर चुके हैं कि जैसे जर्नल एंट्री करनी है तो उसके बाद उनको लेजर में डेबिट क्रेडिट किस साइड लिखना है वो हम पोस्ट कैसे करते हैं वो हम सीख चुके हैं थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू आज फिर दो चार एंट्रीज़ के साथ बताऊंगी फिर आज हम उसको सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करना है तो उसके लिए चलो अब चलते हैं बोर्ड के ऊपर सो फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइक यहाँ पे ट्रासक्शन है अब जल्दी जल्दी से आज हम ये वाला काम करेंगे क्योंकि हम ये वाली चीज़ें पिछली वीडियो में भी सीख चुके हैं तो सबसे पहले अगर आप एक टर्म लेके चले हमारे पास सबसे पहले है लाइक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वैसे तो स्टूडेंट मैं ज्यूम करके चल रही हूँ कि अब आप लोगों को जर्नल एंट्रीज आती हैं इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी इसमें आपको सिर्फ तो स्टार्टेड बिजनेस कैश की जो हमने पिछली वीडियो में भी इवन की एंट्रीज की थी तो लाइक इसके लिए हम जर्नल बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो लाइक जो भी आपका ईयर होएगा जो भी आपकी डेट होएगी तो उसके हिसाब से ट्वेंट टू अप्रैल फ़र्स्ट की ट्रांसक्शन है वन लैख की तो पहली एंट्री क्या करते हैं हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहा था मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले हम यहाँ पे ईयर लिख देंगे देन उसके बाद डेट आ जाएगी जिस डेट की ट्रांसैक्शन होगी ठीक है अप्रैल फर्स्ट क्या एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट राइट स्टूडेंट्स यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर होगा तो वो लिख देना लेजर का पेज नंबर एंड यहाँ पे हम डेबिट में डेबिट साइड का अमाउंट लिख देंगे और क्रेडिट में क्रेडिट साइड का अमाउंट लिख देंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं वो है अप्रैल सेकेंड को गुड्स परचेज फ्रॉम रीमा इसका मतलब हमने क्रेडिट परचेज की है तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम यहाँ लिख लेना आप लोगों ने अब अप अप्रैल पूरी डेट लिख के प्रॉपरली रीमा से गुड्स परचेज किए हैं तो एंट्री बिल भी लाइक परचेजेस अकाउंट सॉरी स्टूडेंट डेबिटेड टू अब टू में के लिखेंगे हम जिससे परचेज़ किए हैं क्रेडिट परचेज है तो उसका नाम आ जाएगा या तो आप रीमा करके भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो अकाउंट लिखना तो लिखना अपना रीमा एज अकाउंट राइट जितने का भी अमाउंट होगा वो था ट्वेंटी थाउजेंड की हमारी एंट्री थी तो हमने ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ पर लिख दिया राइट थर्ड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी है अप्रैल थर्ड की सोल्ड गुड्स फॉर कैश फिफ्टीन थाउजेंड तो इट इज़ ऑफ अप्रैल थर्ड सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो कैश आया तो इसकी एंट्री क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स तो यहाँ लिख देंगे टू सेल्स नरेशन भी स्टूडेंट आप लोगों ने लिख देनी है तो अमाउंट वॉज लाइक फिफ्टीन थाउजेंड की स्टॉक में हमारे पास ट्वेंटी थाउजेंड की हमने परचेजेस किए थे तो उसमें से कितने के सेल कर दिए आपने फिफ्टीन थाउजेंड के राइट तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फिफ्टीन थाउजेंड अमाउंट एंड लास्ट ट्रांसेक्शन स्टूडेंट अप्रैल फोर की कैश पेड टू रीमा ट्वेल्व थाउजेंड तो रीमा से हमने क्रेडिट पे परचेज किए थे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी डेट होगी स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिख देनी है वो अप्रैल फ़ोर एंड पेड कैश टू रीमा तो क्या लिखेंगे रीमा अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ट्वेल्व थाउजेंड वी हैव पेड तो हेयर वी विल राइट ट्वेल्व थाउजेंड राइट ऐसे जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी आप उनको पहले जर्नल एंटर करेंगे अब हम इनके क्या बनाएंगे लेजर्स ये भी हमने पिछली वीडियो में सीखा था तो अब स्टूडेंट चलते हैं पहले तो हमें मार्क करना है कि हमें कौन कौन से लेजर बनाने हैं तो इसका छोटा सा एक हम मार्क करके यहाँ पे रख लेते हैं एक तो मुझे बनाना है कैश का लेज़र तो लाइक मैंने लिखा यहाँ पे कैश एक हमें बनाना है कैपिटल एक हमें बनाना है परचेजेस का एक हमें बनाना है अकाउंट रीमा का एक बनाना है सेल्स का कैश का तो बन चुका है रीमा का भी बन चुका है कैश का भी बन चुका है तो हमें वन टू थ्री फोर एंड फाइव टोटल फाइव अकाउंट आज हमें लेजर बुक में एंटर करने हैं राइट तो इसके लिए स्टूडेंट चलते हैं हम अकाउंट्स के ऊपर तो मैंने आपको पिछले वीडियो में अकाउंट बनाना बताया था जिसमें दो साइड्स होती हैं डेबिट एंड क्रेडिट मैंने इसका फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे मान लो मैंने बनाना है वो कैश अकाउंट राइट तो यहाँ पे मैं नाम दे दूँगी हेडिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश अकाउंट तो मैंने कहा मुझे कैश अकाउंट बनाना है एक मुझे कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे एक कौन सा अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स हम एक मिनट ड्रैग करके देख लेते हैं परचेजेस रीमा एंड सेल्स राइट तो एक हम लोगों ने बनाना है परचेजेस का अकाउंट रीमाज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट सो so, आज हम इनको बैलेंस करके देखेंगे एक चीज़ स्टूडेंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि अगर जब हम बैलेंस करेंगे उनको अकाउंट्स को तो बैलेंस करने के लिए एक्चुअली जैसे कि हम लेके चलें एग्जांपल के तौर पे कि जैसे हमने पहले एंट्री की थी फिर हम क्या करते हैं उसमें दोनों साइड्स का टोटल करते हैं तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं अब प्रैक्टिकली ही सीखते हैं इसको ज़्यादा ना डिटेल लेके अब मैंने कहा था कैश अकाउंट बना रहे हैं पहले तो हम क्या कैश किस साइड आ रहा है डेबिट साइड वन लाख से लेकिन किस नाम से एंटर करेंगे कैपिटल के नाम से स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं डेबिट साइड में जो भी हमारी डेट होगी लाइक मैंने लिख दी यहाँ पर टू अप्रैल फर्स्ट स्टूडेंट आपने पूरा लिखना है मैंने थोड़ा शॉर्ट कट ए पी वन कर दिया है यहाँ पे लिख देना है हमने टू कैपिटल अकाउंट राइट एंड यहाँ पे वन लाख रुपीज़ आप लोगों ने एंटर कर देना है राइट right? उसके बाद चलते हैं कैश किस किस में है वो हमें चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे तो अगली एंट्री में कैश है यहाँ पे टू सेल्स तो कैश अगेन डेबिट वाली साइड है फिफ्टीन थाउजेंड से तो हम लिख देंगे सेल्स के नाम से जो भी डेट होगी स्टूडेंट आपने लिख देनी अप्रैल थर्ड है तो अप्रैल थर्ड लिख देना तो डेबिट साइड में हमारा अप्रैल थर्ड टू सेल्स तो सेल्स कितने की हुई है हमारी फिफ्टीन थाउजेंड जो भी अमाउंट होगा स्टूडेंट वो आप लोगों ने लिख देना है एक और अमाउंट था हमारे पास यहाँ पे रीमास टू कैश यहाँ पे कैश क्रेडिट वाली साइड है स्टूडेंट तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ये लिख के कौन सी डेट की एंट्री है अप्रैल फोर की हेयर विल राइट तो मैंने कहा ओपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे और आपको पता क्रेडिट साइड में हम बाय वाला वर्ड यूज़ करते हैं बाय के साथ यहाँ पे रीमा लिख देंगे और इसके सामने जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रीमा को हमने ट्वेल्व थाउजेंड पे किया अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पे स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट की तो हमारी एक ही ट्रांजेक्शन है तो कैपिटल अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे सो कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट वाली साइड है वन लाख पर किस नाम से लिखेंगे कैश के नाम से लिखेंगे तो अगेन कैपिटल अकाउंट पे आते हैं अब कैपिटल अकाउंट किस साइड है मैंने कहा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे जो भी डेट होगी एंड क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश और क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट है तो जितना भी था वन लाख रुपीस हेयर वी विल एंटर नेक्स्ट हमारे पास परचेजेज अकाउंट है स्टूडेंट अगेन हमें परचेजेज अकाउंट देखना पड़ेगा परचेजेज़ की देखो एक ही एंट्री है टू रीमा तो परचेजेस किस साइड लिखा है हमने डेबिट साइड पर किस नाम से एंटर करेंगे रीमा के नाम से ट्वेंटी थाउजेंड राइट तो परचेजिज टू रीमा था हमारा एंट्री तो डेबिट साइड में परचेजेज़ लिख देंगे ट्वेंटी थाउजेंड की टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर जो भी डेट होगी स्टूडेंट वो आप लोगों ने लिख देनी है अप्रैल सेकेंड एंड यहाँ पे लिख देना आपने टू रीमा कितने का अमाउंट था ट्वेंटी थाउजेंड का नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं रीमा अकाउंट वैसे तो अभी हमें याद ही है पर चलो एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों को कन्फर्म करने के लिए रीमा अकाउंट जी एक तो आएगा हमारा क्रेडिट साइड में ट्वेंटी थाउजेंड जाएगा और डेबिट साइड में हमारा ट्वेल्व थाउजेंड जाएगा ठीक है तो पहले तो ये वाला लिख लेते हैं अप्रैल सेकंड का तो रीमा अकाउंट में जाना है तो हमने रीमा के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है ट्वेंटी थाउजेंड तो रीमा के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे टू अप्रैल सेकेंड क्या लिखेंगे बाय परचेजेस मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि जिस नाम का अकाउंट होता है उसके ऑपोजिट वाला अकाउंट हम लोगों ने लिखना है तो कितना अमाउंट आएगा हमारा यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड पर रीमा की एक और ट्रांजेक्शन की कि हमने रीमा को पे किए हैं तो कितने पैसे पे किए हैं रीमा टू कैश तो रीमा यहाँ पे किस साइड है डेबिट साइड डेबिट साइड में हम किस नाम किस नाम से लिख देंगे कैश के नाम से रीमा के अकाउंट में तो अगेन स्टूडेंट चलते हैं यहाँ पे ईयर यह पक्का लिखना है आप लोगों ने एंड इट इज़ द एंट्री ऑफ अप्रिल फोर क्या लिखना है आप लोगों ने यहाँ पे टू कैश क्योंकि रेमा को हमने पे किए हैं कितने हैं वट वॉज द अमाउंट एक्चुअली इट वॉज़ ट्वेल्व थाउजेंड राइट सो so स्टूडेंट जल्दी से हम यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड की एंट्री कर लेते हैं लास्ट हमारे पास स्टूडेंट बचता है बस अब सेल्स अकाउंट धीरे धीरे अब बैलेंसिंग का टाइम आने वाला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो सेल्स यहाँ पे था सेल्स क्रेडिट साइड में है फिफ्टीन थाउजेंड से लेकिन कैश लिखना है हमने क्रेडिट साइड में अप्रैल थर्ड तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में फिफ्टीन थाउजेंड पर किस नाम से लिखेंगे अप्रैल थर्ड बाय कैश कैश सेल्स की थी फिफ्टीन थाउजेंड से तो ये था स्टूडेंट जिस जो कि हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था मैंने बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया अब जल्दी से चलते हैं इसको बैलेंस करने के ऊपर तो सबसे पहले वील स्टार्ट विद द कैश अकाउंट राइट अब बैलेंस कैसे किया जाता है स्टूडेंट इसको बड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों ने सबसे पहले दोनों साइडों का आप लोगों ने दिमाग में क्या करना है रफ सा लाइक टोटल कर लेना है तो इधर था वन लैख ,00 और फिफ्टी थाउजेंड राइट तो इस साइड का टोटल आ गया वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड और इस साइड का जो हमारा स्टूडेंट टोटल रहेगा वो है ट्वेल्व थाउजेंड और इस साइड का टोटल रहेगा ट्वेल्व थाउजेंड वैसे देखने से ही पता चल रहा है इस साइड का टोटल है वन लैख फिफ्टीन थाउजेंट और इस साइड का है वन ट्वेल्व थाउजेंड तो जिस साइड का टोटल स्टूडेंट ज़्यादा होता है वो वाली साइड का टोटल आपने यहाँ पे नीचे लिख देना है दोनों ही साइड बोथ साइड क्योंकि जब हम एक और चीज़ याद रखना स्टूडेंट अगर आपका एक अकाउंट है और उसमें दोनों साइडों का टोटल ही सेम आ रहा मतलब अगर एक साइड फाइव थाउजेंड आ रहा है और दूसरी साइड का टोटल भी फाइव थाउजेंड आ रहा है तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड अकाउंट क्या कहते हैं क्लोज अकाउंट ठीक है अब यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट कि पहले मैंने कहा दोनों साइडों का टोटल लिखना है हमने यहाँ पर तो कितना आएगा तो मैंने कहा बराबर ही लिखना है पर वो वाला टोटल लिखना है जो बड़े वाला होगा तो यहां पे आ गया आपका वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड तो इस साइड भी स्टूडेंट हमने वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड ही लिखना है राइट right? और नीचे हमने दो डबल लाइन लगा देनी अब है अब क्वेश्चन ये कि हुआ क्या हमने तो इसको बैलेंस किया ही नहीं बैलेंस करने का मतलब होता है हमने अकाउंटिंग में पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम है कि जितना साइड डेबिट होएगा उतना ही क्रेडिट का होगा तो कहते हैं यहाँ पे तो डेबिट में हमने टोटल लिख लिया पर ये ट्वेल्व थाउजेंड तो हमने लिख दिया तो ट्वेल्व थाउजेंड तो इस साइड है लेकिन टोटल तो टो हमने लिख दिया वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड स्टूडेंट यहाँ पे तो यहाँ पे कितना का पेंडिंग बैलेंस है तो हमने वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड में से ट्वेल्व थाउजेंड माइनस करना है तो ये हमारा स्टूडेंट बचता है यहाँ पे कितना जो भी इस मंथ की लास्ट डेट होएगी उस डेट को हमने यहाँ पे एंट्री कर देनी है डेट लिख के क्या लिखेंगे अब बाय बैलेंस बैलेंस डाउन सी ओब्लिक डी का मतलब है डाउन कि हम उसको कैरी करके ले आए पूरे मंथ के बैलेंस को तो ये स्टूडेंट हम जो बैलेंस करते हैं ये लाइक वीकली भी कर सकते हो आप पंद्रह दिनों के बाद भी कर सकते हो मंथली भी कर सकते हो और क्वार्टरली भी कर सकते हो राइट तो यहाँ पे कितना बना हमारा फिर वन लैक क्रेडिट uh, करके जो है वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड में से ट्वेल्व थाउजेंड हमने माइनस करना है तो ये हमारा बचेगा वन लैख थ्री थाउजेंड ये जो अमाउंट हमारा स्टूडेंट यहाँ पे आता है इसे हम कहते हैं बैलेंस अकाउंट बैलेंस इसको कहते हैं क्लोज्ड अकाउंट और इसको कहेंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस क्या कहेंगे इसको तो थोड़ा डिफरेंटली लिखती हूँ इसको दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस राइट अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो कैश अकाउंट है इसका बैलेंस किस साइड आया डेबिट साइड आया कि क्रेडिट साइड आया है तो याद रखना आप लोगों ने यही कहना है कि जिस साइड का बैलेंस देखो ज़्यादा होता है जैसे ज़्यादा किस साइड का था लाइक डेबिट साइड का और मोस्टली हमारे जितने भी एसेट्स होएंगी वी कैन से और जितने भी एक्सपेंसिज होंगे उनका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड रहता है और जो हमारे कैपिटल अकाउंट है लाइक like इनकम वाला अकाउंट है या वी कैन से जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका जो बैलेंस रहता है वो मोस्टली हमारा क्रेडिट साइड रहता है राइट तो यहाँ पे देखो एस कैश हमारी एसेट है तो उसका बैलेंस डेबिट साइड ही रहेगा अब डेबिट साइड क्यों कह रही क्योंकि जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है टोटल तो ज़्यादा आता है तो हमारी इस साइड का टोटल कितना था वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड तो इसका मतलब हुआ अगर मैं यहाँ पे कोई डेट लिख भी दूँ सुपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अप्रैल मंथ के लास्ट में लाइक अप्रैल थर्टी को मेरे पास इतना कैश बचा अब ये कैश जो हमने नेक्स्ट मंथ भी यूज़ करना है या जो भी आप मंथली कर रहे हो क्वार्टरली उसके हिसाब से वो डेट लिखनी है ये वाला जो कैश होगा ये अगली डेट अगले ही दिन ये डेबिट साइड में ऐसे चला जाता है वहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं मान लो अप्रैल मैंने थर्डी थर्टी लिखा तो अप्रैल के बाद कौन सा मंथ शुरू होगा हमारा मे मंथ यहाँ मे फर्स्ट को मैं लिख दूंगी टू बैल करके बैल मतलब बैलेंस बी डी बी डी स्टैंड फॉर ब्रॉडाउन और ये ब्रॉडाउन वाला अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे कितना बचा था दैट इज वन लैख थ्री थाउजेंड ये स्टूडेंट था हाउ टू बैलेंस तो देखो आप नोटिस कर रहे हैं कि जब मैंने ब्रॉड ऑन करके लिखा तो किस साइड लिखा मैंने डेबिट साइड लिखा इससे कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो इस अकाउंट का बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है राइट right? अब थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करके देखते हैं स्टूडेंट्स थोड़ी पेशेंस रखनी है स्टूडेंट वीडियोज थोड़ी थोड़ी लंबी हो रही हैं क्योंकि टॉपिक भी उतने ही लंबे हैं तो अब यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट हम आ, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट आप देखिए कैपिटल अकाउंट में तो हमारे डेबिट क्रेडिट में कुछ मतलब क्रेडिट में अमाउंट है डेबिट में तो कुछ भी नहीं है तो दोनों साइडों का टोटल कितना रहेगा हमारा वन लाख और यहां भी अगर ये फर्स्ट अप्रैल है तो थर्टियथ अप्रैल को दैट इज़ 2024 को हम यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस डेबिट में लिखना हो तो टू लिखना है क्रेडिट में लिखना है तो बाय बैलेंस डाउन लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस डाउन कितने से आएगा स्टूडेंट्स हमारा ये वन लैख से होगी दोनों साइड बैलेंस क्योंकि इस साइड तो और कोई हमारे पास अमाउंट था ही नहीं अब ये जो पैसा है ये तो हमने डाउन में लिख दिया ये आ गया टोटल में कितना वन लैख अब ये अगले मंथ दैट इज लाइक मे फर्स्ट को डाउन हो जाएगा ये वाला अमाउंट यहाँ से आएगा और यहाँ पहुंच जाएगा इसका कैरी डाउन यहाँ पे आ गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने से ब्रॉड करेंगे वन लैख से स्टूडेंट इस जीरो का ध्यान रखना है वन लैख तो अगेन देखिए कैपिटल जो था मैंने कहा इसका जो बैलेंस होता है बाय नेचर किस साइड होता है क्रेडिट साइड तो आप देखिए इसका बैलेंस क्रेडिट साइड ही है क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी डेबिट कम थी राइट तो ऐसे हम इसको बैलेंस करेंगे ऐसे स्टूडेंट आगे चलते हैं परचेजिज अकाउंट पर पे चलते हैं इसको भी हमें बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट अगेन पहले तो हम चलेंगे यहाँ पर दोनों साइडों का टोटल देखेंगे भाई किसका ज़्यादा है किसका कम है अगेन अगर आप नोटिस करना तो ज़्यादा कम की तो कोई टेंशन ही नहीं है ये वाला जो अकाउंट है इसमें भी डेबिट साइड में तो अमाउंट है क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है राइट तो जिस साइड का मैंने कहा था ज़्यादा बैलेंस होता है वो साइड आपने इधर लिखनी है वैसे तो परचेजेस को बाय नेचर हम क्या लेके चलते हैं इनको एक्सपेंसेस लेके चलते हैं डिपेंड uh, करता है कि आपने परचेजेस लॉन्ग टाइम के लिए की होंगी तो उसको एसेट भी मान लेते हैं कई बार हम अब यहाँ पे क्या लिख दोगे आप जो भी इसकी पर्टिकुलर डेट होगी स्टूडेंट्स मैंने कहा कि क्लोजिंग अगर मैं मंथ वाइज लेके चल रही हूँ लाइक इसकी बैलेंसिंग कर रही हूँ तो लाइक ये आगे आपका अप्रैल की थर्टी को 2024 थाउजेंड ईयर लिख लेना है और यहाँ पे लिख दूँगी मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने से कैरी किया ये 20,000 से और मैंने कहा था अभी पिछली लाइक अकाउंट्स में भी हमने देखा जो अगले मंथ का जाके क्या बन जाता है हमारा ब्रॉडाउन बन जाता है यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं डेट लिख दूँगी मे फर्स्ट और यहाँ लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉडाउन अगर एक्सपेंसेस मान के चले तो उसके हिसाब से ये हमारा हो गया डेबिट में आएगा कितने अमाउंट से आएगा जो कैरी डाउन था अब आपसे कोई पूछे कि जो परचेजेज है उसका बैलेंस क्या है लाइक डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस Uh, मैंने एक क्लोज अकाउंट कहा है एक क्लोजिंग बैलेंस टर्म यूज़ कर रही हूँ क्लोज अकाउंट का मतलब स्टूडेंट मैंने कहा जब दोनों ही साइड का टोटल जो है वो सेम रहता है कि मान लो डेबिट में भी फाइव थाउजेंट है क्रेडिट में भी फाइव थाउजेंट है तब तो वो बैलेंस हो गए दोनों ही तो उसमें ब्रॉडोन और कैडिट करने ऑन करने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है पर कहता है इस केस में जब बैलेंस बचता है तो इसे क्या कहते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस राइट जो अगले मंथ का जाके ब्रॉडउन ओपनिंग बैलेंस बन जाता है राइट right? तो आगे चलते हैं हम जैसे रीमा अकाउंट पे इसकी भी टोटलिंग स्टूडेंट हम करके देखते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे टोटल तो एक साइड का टोटल डेबिट का तो जी ट्वेल्व थाउजेंड है बड़े ध्यान से देखते रहें और क्रेडिट साइड का टोटल क्या हमारा ट्वेंटी थाउजेंड रीमा हमारी क्या है सप्लायर है उससे हमने ट्वेंटी थाउजेंड के गुड्स परचेज़ किए थे तो उसको हमने पेमेंट कितने की कर दी अभी ट्वेल्व थाउजेंड की अब मैंने कहा था कि दोनों साइड कौन सा टोटल लिखना स्टूडेंट जिस साइड का टोटल ज़्यादा आता है राइट तो अगर आप लेके चले ट्वेंटी थाउजेंट इस साइड का है तो इस साइड का टोटल भी कितना आएगा फिर ट्वेंटी थाउजेंड कहता है यहाँ पे कितने से कम आ रहा है वो हमने अप्रैल की थर्टियथ को लिख देना है टू बैलेंस क्या कहा मैंने कैरी डाउन कितने अमाउंट से लिखना है ट्वेंटी थाउजेंड में से ट्वेल्व थाउजेंड अब माइनस कर देना सो लाइक इट वुड बी एट थाउजेंड डाउन बैलेंस आ गया जो मैंने कहा अगले मंथ का क्या बन जाएगा डाउन तो यहां पे आप क्या लिखोगे मे फर्स्ट को टू सॉरी बाय बैलेंस डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है स्टूडेंट आपने कितने अमाउंट से लिखना है जितने से वो बैलेंस करके आया है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दैट इज एट थाउजेंड तो अगर आपसे कोई पूछे रीमा के अकाउंट का बैलेंस क्या है डेबिट की क्रेडिट विल से लाइक क्रेडिट बैलेंस है द रीज़न इज कि लाइक like इस साइड का टोटल ज़्यादा था और जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो बैलेंस करके लिखा तो इस साइड स्टूडेंट मोस्टली इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं तो आप नोटिस करना क्रेडिट ऑन करके जब मैं इसको ब्रॉड करके ले आई तो किस साइड लेके आई क्रेडिट साइड में तो याद रखना इसीलिए ये किस साइड का बैलेंस हो गया हमारा क्रेडिट साइड का हो गया राइट नेक्स्ट अकाउंट पे चलते हैं स्टूडेंट हम उसको भी बैलेंस कर लेते हैं सेल्स अकाउंट को तो सेल्स अकाउंट को टोटल करने के लिए स्टूडेंट अगेन देखिए इसमें तो एक ही साइड अमाउंट है फिफ्टीन थाउजेंड अब बहुत इजी है डेबिट साइड में तो कोई अमाउंट ही नहीं है तो यहाँ पे एक तो आपने डेट लिख देनी है टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अब मान लो मैं क्लोज कर रही हूँ अप्रैल थर्टी यहाँ पे भी मैंने कहा दोनों साइडों का बैलेंस सेम रहेगा क्योंकि डेबिट क्रेडिट का रूल है ये कि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट रहेगा इधर भी फिफ्टीन थाउजेंट आएगा और इस साइड भी स्टूडेंट हमारा फिफ्टीन थाउजेंट ही आएगा पर क्या लिखेंगे यहाँ पे इस, तो आपको इसको कैरीडाउन करना है अब तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय सॉरी 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 टू बैलेंस डाउन राइट कैरी कर दिया यहाँ पे मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया यहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड जो मैंने कहा था अगले महीने का क्या हो जाएगा ब्रॉड ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपने मे फर्स्ट टू बैलेंस ऑन और कितने से ऑन करेंगे फिफ्टीन थाउजेंड से स्टूडेंट तो ऐसे करके स्टूडेंट हम अपने अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं एक चीज़ क्या कही मैंने आप लोगों को कि देखो हमारे पास जो अगर मैं अकाउंट की बात करूं तो हमारे अकाउंट जो हैं वो तीन तरह के होते हैं पर्सनल अकाउंट है रियल अकाउंट है एंड नॉमिनल अकाउंट है रियल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट होते हैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से पर्सनल अकाउंट की तो इसमें जैसे हम पढ़ते हैं कि लाइक पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से होते हैं एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है लाइक like, जैसे कि हम लोग हो गया लाइक like जैसे रीमाज अकाउंट हो गया नेहाज अकाउंट हो गया वो क्या नेचुरल पर्सनल अकाउंट एक होते हैं आर्टिफिशियल जो कंपनीज के नाम होते हैं स्कूल कॉलेज जैसे मैंने कहा आई सी एल्प अकेडमीज अकाउंट फिर एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट राइट एक होते रियल अकाउंट इसमें सारी एसेट्स आ जाती हैं और नॉमिनल अकाउंट में सारे आपके एक्सपेंसेस इनकम एंड गेन्स आ जाते हैं राइट right, स्टूडेंट तो इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है आपने जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं वैसे तो कहते हैं इसको एट द एंड ऑफ द ईयर इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको हम डायरेक्ट लिखने के बाद हम इनको ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं इनके जो भी बैलेंसेस होंगे तो इनको बैलेंस करके आपकी मर्जी अगर बैलेंस करके रखना है तो रख लीजिए अदरवाइज ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे हमारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट तो स्टूडेंट ये था हमारा हाउ टू बैलेंस उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी Uh, एक छोटे सा मैंने दो तीन पॉइंट कहे है बस वो आपने याद रखना है अब फाइनली अगर आपसे कोई पूछे कि किस अकाउंट का कौन सा अकाउंट में कौन सा बैलेंस है तो कैश अकाउंट में हम कहेंगे डेबिट बैलेंस है क्योंकि देखो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है और ब्रॉड ऑन भी मैंने उस साइड लिखा है इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है अगर आपसे कोई पूछे परचेजेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस है यू विल से लाइक डेबिट बैलेंस है क्योंकि हमने ब्रॉड ऑन की साइड किया डेबिट साइड किया और टोटल भी ज़्यादा किसका था परचेजेस का रीमा अकाउंट का बैलेंस कौन सा है तो विल से लाइक क्रेडिट अमाउंट है क्योंकि देखो ब्रॉड ऑन भी इधर लिखा है और इस साइड का टोटल ज़्यादा था वैसे अगर सेल्स अकाउंट की बात करें तो सेल्स अकाउंट में जो बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस था और देखो क्योंकि ब्रॉड ऑन मैंने किस साइड लिखा है यहाँ लाइक क्रेडिट साइड लिखा क्योंकि इस साइड का टोटल जो था वो स्टूडेंट ज़्यादा था सो इट वॉज़ लाइक स्टूडेंट अबाउट लाइक हाउ टू बैलेंस द अकाउंट अगली वीडियो में हम सीखेंगे स्टूडेंट लाइक like, जो मैंने आपको कहा था पोस्टिंग करते हैं तो लाइक सिंपल एंट्रीज की भी करते हैं अगली मैं आपको बताऊंगी कंपाउंड और ओपनिंग एंट्री जो होती हैं उनकी हम पोस्टिंग कैसे करते हैं राइट सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पक्का लाइक करना अगर आपको पसंद आई हो तो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी पक्का शेयर करना है और लाइक बेल आइकन को भी पक्का प्रेस करना ठीक है ताकि आप इस जो भी मेरी आगे आने वाली वीडियोस को आप इजीली देख सको टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट